नमस्कार दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में हुआ था। इस युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया और युद्ध के दौरान अर्जुन को वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश भी दिया। लेकिन आज कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महाभारत और गीता पर सवाल उठाते हैं। उन लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण ने पांडवों को जिताने के लिए महाभारत युद्ध में छल का सहारा लिया था। खुद दुर्योधन भी युद्ध भूमि में अपनी मौत को करीब देखकर जब श्री कृष्ण पर छल का आरोप लगाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को उसकी मृत्यु का रहस्य बताते हैं। क्या है वो रहस्य जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आखिरी समय में उससे कहा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध का अंतिम योद्धा जिसका वध पांडवों ने किया था, वो था दुर्योधन। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने ही लाखों योद्धाओं को युद्ध की आग में झोंक दिया था। कहा जाता है कि दुर्योधन को हराना आसान नहीं था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच जब गदा युद्ध हो रहा था, उस वक्त पराक्रमी दुर्योधन भीम पर भारी पड़ने लगा। जब भीम ने दुर्योधन के इस पराक्रमी रूप को देखा तो वो अपनी जीत के लिए श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण ने भीम को बिना कुछ कहे अपनी बाई जांघ को ठोक दिया। श्री कृष्ण के इस इशारे को भीम समझ गए और वो युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर दुर्योधन की कमर के नीचे के हिस्से पर वार करने लगे। दोस्तों, इसके पीछे भी महाभारत की एक कहानी वर्णित है, जिसके मुताबिक दुर्योधन की माता गांधारी को भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि वो जिसे भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। गांधारी अपने इस वरदान की वजह से अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को भी वज्र का बनाना चाहती थी, इसलिए उसने दुर्योधन से गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में अपने सामने उपस्थित होने को कहा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दुर्योधन गंगा स्नान करने के बाद नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में श्री कृष्ण दुर्योधन को रोक देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, अपनी युवावस्था में तुम अपनी माता के सामने इस तरह से पूर्ण नग्न होकर जाओगे, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? श्री कृष्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन की मति मारी जाती है और वो अपनी जांघ पर केले के पत्ते लपेटकर अपनी माता गांधारी के सामने जाता है। इसलिए जब गांधारी अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी दिव्य दृष्टि दुर्योधन की जंघा पर नहीं पड़ती है, जिस वजह से दुर्योधन की जंघाओं को छोड़कर उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है। यही वजह है कि जब गदा युद्ध में दुर्योधन भीम पर भारी पड़ने लगता है, तब श्री कृष्ण इशारे से भीम को दुर्योधन की कमर के नीचे के हिस्से पर वार करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम दुर्योधन की जांघों पर वार करता है, जिससे दुर्योधन की जांघें टूट जाती है और घायल दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में जमीन पर गिरकर अपनी अंतिम सांसें गिनने लगता है। उस वक्त सभी पांडव भाई दुर्योधन के समीप जाते हैं और उसे उसकी करनी के लिए भला बुरा कहने लगते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो वो पांडवों को रोकते हुए कहते हैं, पांडु पुत्रों, मरे हुए को मारना उचित धर्म नहीं है। तुम लोगों ने इस दुर्योधन को अनेकों बार समझाने का प्रयास किया, तुमने इस मंद बुद्धि के लिए कठोर वचन भी कहे, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये महानिर्लज है, ये उस समय ही मर गया जब गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर आदि के समझाने के बाद भी इसने पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति का भाग नहीं दिया। ये ना तो किसी का मित्र बनने के योग्य है और ना ही शत्रु। श्री कृष्ण के मुंह से अपने प्रति ऐसी कठोर वाणी सुनकर दुर्योधन के अंदर क्रोध की अग्नि जल उठती है और वो श्री कृष्ण को ताने मारते हुए कहता है, ओ कंस के दास के पुत्र, मुझे इस गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया है, क्या इस तरह का अधर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती?
भीष्म जो युद्ध भूमि में प्रतिदिन युद्ध वीरों का संहार कर रहे थे, उस पितामह को मारने के लिए तुमने शिखंडी को आगे कर दिया और उसे ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा की। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर तुम लोगों ने छल से गुरु द्रोण के हाथ से अस्त्र शस्त्र का त्याग करवा दिया। दृष्टद्युम्न ने पराक्रमी गुरु द्रोणाचार्य को किस हालत में मार गिराया, क्या मुझे इसकी खबर नहीं है? ये अधर्म अपनी आँखों के सामने होता देखकर क्या तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई? पांडु पुत्र अर्जुन के वध के लिए वरदान स्वरूप प्राप्त किए गए इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुम्हारे मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देती। इस युद्ध भूमि में तुमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। बलवान भूरिश्रवा जब अपना हाथ कट जाने के बाद आमरण अनशन पर बैठे, तब सात्यकी ने तुम्हारे इशारे पर तलवार उठाकर धरने पर निहत्ते बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। युद्ध भूमि में जब कर्ण ने अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर अश्व से नाग बाण को छोड़ा, तो तुमने अपनी धूर्तता से उसे विफल कर दिया। और फिर जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया, तब तुमने अर्जुन से कहकर संकट में फंसे कर्ण का वध कर दिया। यदि तुम लोगों ने बिना छल का सहारा लिए माया रहित होकर पूरी ईमानदारी से युद्ध लड़ा होता, तो निश्चित ही तुम्हारे पांडवों का जीतना असंभव था। दुर्योधन की ये सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को सत्य से परिचित कराने के लिए उससे कहते हैं, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर कदम रखा था, तुमने अधर्म का सहारा लिया था, इसलिए तुम अपने भाई और सेवक सहित मारे गए। भीष्म और द्रोणाचार्य ने सत्य को जानते हुए भी अधर्म के रास्ते पर चलना पसंद किया था, तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण ही वे भी मारे गए। कर्ण तुम्हें अपना मित्र बंधु मानता था, अतः वह भी तुम्हारे रास्ते पर ही चल रहा था, इसलिए वो भी मारा गया। ओ मूर्ख, तुमने उस शकुनी की सलाह मानी और मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य नहीं दिया। तुमने अपने लोभ में भीम को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता सहित लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयत्न किया। अरे ओ निर्लज्ज, द्यूत क्रिया के समय जब तुम लोगों ने रजस्वला द्रौपदी को घसीटा, उसी समय तुम्हारा वध तय हो गया था। तुम्हारे आदेश पर ही बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्ध भूमि में अकेले बालक अभिमन्यु का वध कर दिया, इसी वजह से आज तुम युद्ध भूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों का अनिष्ट करने की चाह से युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित को ध्यान में रखकर शिखंडी उनके सामने आया था, वह कोई अधर्म नहीं है। आचार्य द्रोणाचार्य तुम्हारे हित के लिए अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए युद्ध भूमि में दृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। विद्वान सात्यकी ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से अपने शत्रु भूरिश्रवा को मार गिराया। अर्जुन ने सदाचार का सोचकर बहुत से प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया, इसलिए तुम्हारे मुंह से उनके लिए अपशब्द शोभा नहीं देते। तुम याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उसने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों को दिखाया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ युद्ध भूमि में तुम्हारे साथ जो किया है उसमें कोई अधर्म नहीं है। तुम जिन कार्यों को हमारे किए हुए अधर्म बता रहे हो, वो तुम्हारे दोषों के कारण ही किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सारी बातें सुनने के बाद दुर्योधन कहता है, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान किए, समुद्र सहित पूरे पृथ्वी पर शासन किया और शत्रुओं पर हमेशा विजय हासिल की। मेरे जैसा उत्तम अंत किसी का नहीं हुआ। मैं युद्ध भूमि में मारा गया, इसलिए मैं सीधे स्वर्ग लोक जाऊंगा और तुम लोग सोचनीय जीवन बिताओगे। भीम ने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से वार किया, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद कौए और गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपना पैर ही रखेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद दुर्योधन अपने प्राणों को त्याग देता है, लेकिन दुर्योधन के मरने के बाद पांडव उसके मृत शरीर को देखकर चिंतित भाव में विचार करने लगते हैं। तब पांडवों को इस तरह से परेशान देखकर श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, ये दुर्योधन अस्त्र चलाने में माहिर था, इसे जीतना किसी के बस की बात नहीं थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा ये चारों भी अत्यंत पराक्रमी थे, ये कभी युद्ध से थकते नहीं थे, अतः इनसे धर्म युद्ध करके जीतना इस भूतल पर किसी के लिए भी संभव नहीं था।
खुद काल भी दुर्योधन को धर्म युद्ध से पराजित नहीं कर सकता था। ये सभी धनुर्धर महारथी कभी भी धर्म युद्ध द्वारा नहीं मारे जा सकते थे, इसलिए अगर ये युद्ध भूमि में मारे गए हैं, तो ये अपने दोषों के कारण मारे गए हैं। इसलिए आप सभी को इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर सभी पांडव भाई प्रसन्न होकर शंखनाद करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पांडवों ने श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलकर कौरवों का वध किया था। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो देश के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह के सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।